हेलो, वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के बॉडी पे जो हेयर रहता है जन्मने के बाद, काफ़ी सारे बच्चों के फोरहेड पे, शोल्डर्स पे, उनके बैक पे और फेस पे भी बहुत से सॉफ्ट छोटे छोटे बाल रहते हैं। इन बालों को कैसे निकालना है, आप घर में ही कुछ पाउडर्स यूज़ करके आप कैसे उसको निकाल सकते हो। सेकेंड चीज़ कि ये बालों को निकालना ज़रूरी भी है या नहीं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तीन मोस्ट कॉमन मेथड्स जो होम रेमेडीज यूज़ करते हैं इन बालों को निकालने के लिए, तो इसमें सबसे नंबर वन पे आता है आटा यूज़ करके। गेहूं का आटा और टर्मरिक, आटा और उसमें टर्मरिक डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसका वेल फॉर्म डव बना लेना है और उसको गरम आलमंड ऑयल में भिगो के वो डव को बेबी के जहाँ जहाँ पे बाल है उसके ऊपर रब करना है। बहुत जेंटली रब करना है, ज़ोर से घिसना नहीं है उसको। और जब भी आप घिसेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े बाल निकलना चालू हो जाते हैं। ऑयल में डिप करोगे तो थोड़ा सा ही ऑयल में डिप करना है, पूरा उसको गीला नहीं कर देना है, नहीं तो वो बाल स्लिप हो जाएंगे। बहुत जेंटल थोड़ा सा डिप करके फिर उसको पूरे बॉडी पे, जहाँ पे भी बाल है, पूरे बॉडी में मतलब जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे रब नहीं करना है, जहाँ पे भी बाल है वहाँ पे जेंटली रब करना है। ऐसा करने से थोड़े बहुत बाल निकल जाएंगे, एक ही झटके में पूरे बाल नहीं निकलेंगे, ये आपको डेली करना पड़ेगा, तब जाके उनके कुछ बाल निकल के आएंगे। सेकेंड इजी मेथड है दूध में हल्दी मिला के। दूध और हल्दी का आपको थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाना है, तो जब भी आप बच्चे को नहलाने वाले हो तो नहलाने से पहले जब आपका ऑयल मसाज हो जाएगा उसके बाद ये पेस्ट जहाँ जहाँ पे बाल है वहाँ पे रब करना है। उसको वैसे ही एक 10-15 मिनट तक छोड़ देना है, वो पूरा सूख जाना चाहिए। उसके बाद कोई भी कॉटन लेके या एकदम कॉटन का कपड़ा लेके उसको दूध में भिगो के ये जो पेस्ट ड्राई अप हुआ हुआ है उसको निकाल देना है। बहुत जेंटली रब करके निकालना है, उसको बिल्कुल घिसना नहीं है। बहुत से पेरेंट्स ही गलती करते हैं कि उनको लगता है कि ड्राई हो गए बाल, ड्राई हो गए तो उसको घिस के निकालना चाहिए, बिल्कुल नहीं, उससे बच्चे को रैश आ सकती है। तो बहुत जेंटली रब करके वो जो भी पेस्ट है पूरा पेस्ट निकाल देना है। इसके बाद आपको बच्चे को नहलाना है। नहलाने के टाइम पे कोई भी सोप या वापस कोई भी आटा वगैरह यूज़ नहीं करना है, बस प्लेन गर्म पानी से उसको नहला देना है और जो भी बचा हुआ ऑयल होगा बॉडी पे या जो भी ये पेस्ट बचा होगा वो पूरा निकाल देना है। और थर्ड मेथड है उपटन। उपटन आप घर पे भी बना सकते हो, कमर्शियल उपटन भी मिलता है। इसमें मेनली बेसन का पीट रहता है, उसमें टर्मरिक और दूध मिलाया जाता है। इस पेस्ट को भी आपको मसाज के पहले अप्लाई करना है जहाँ जहाँ पे बाल है और उसको वैसे ही थोड़ी देर छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप उसको मसाज कर सकते हो, मसाज के टाइम पे वो पेस्ट पूरा निकल जाएगा और फिर नॉर्मली नहला सकते हो। वापस नहलाने के टाइम पे उनको वापस सोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे उपटन जो कमर्शियली मिलते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना, उसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर आप कमर्शियल उपटन यूज़ करने वाले हो तो उनको पहले बॉडी के किसी छोटे से पार्ट पे, हाथ पे या थाइस पे पहले थोड़ा सा लगा के देखना कि उससे कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है ना। अगर रिएक्शन नहीं आता है तो फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब ये तीन मेथड्स हो गए मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं, जो बहुत सालों से लोग यूज़ करते आ रहे हैं। पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये बाल निकालना ज़रूरी है कि नहीं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बाल है ये हर बच्चे को होता है, भले वो लड़का हो या लड़की हो, हर बेबी को ये बाल रहते ही है। कुछ बेबीज़ को ज़्यादा बाल रहते हैं, कुछ बेबीज़ को बिल्कुल बहुत कम बाल रहते हैं, कुछ बेबीज़ को मीडियम रहते हैं। ये सब जेनेटिक्स पे बहुत डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स को, फादर को जन्म के टाइम पे जब उनके बचपन में ज़्यादा बाल रहे होंगे या मदर को ज़्यादा बाल रहे होंगे बचपन में, तो वो बेबी को भी आ सकते हैं। सेकेंड चीज़ है ये जो बाल है इसे लनुगो कहते हैं, ये परमानेंट बाल नहीं है। ये जो छोटे छोटे बाल रहते हैं ये अपने आप कुछ बच्चों में वीक्स में, कुछ बच्चों में मंथ्स में ये अपने आप फॉल ऑफ हो जाते हैं। आपने उनको नहीं निकाला तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर लड़की है, बेबी गर्ल है और उनमें बाल ज़्यादा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आगे जाके भी उनको ज़्यादा बाल आएंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे, जब उनकी प्यूबर्टी आ जाएगी तब उनको बहुत ज़्यादा बाल आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े लड़कियों में भी आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियों को बाल जल्दी ग्रो हो जाते हैं, कुछ लड़कियों के बाल बहुत स्लो ग्रो होते हैं, कुछ के बाल ही कम रहते हैं या कुछ लड़कियों के ज़्यादा रहते हैं।
लड़कों में भी सेम है, कुछ लड़कों को बाल ज़्यादा रहते हैं, कुछ लड़कों को बाल कम रहते हैं, ये सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। आप कितना भी पाउडर लगाओ, ये जो सब 3 मेथड्स मैंने बताए, ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है। इससे सब एक एक बाल नहीं निकलने वाला है, और अगर वो निकलेगा भी तो भी वो बाल वापस आने वाले हैं। तो इनका साइंटिफिकली देखेंगे तो उनको निकालने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी पेरेंट्स हमें पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने 3 मेथड्स आपको बताए, ये आप घर पे कर सकते हो। पर इतना ध्यान रखना है कि ये एक झटके में सब बाल नहीं निकलने वाले हैं, ये आपको हफ्ते में 2-3 बार, ऐसे बहुत सारे हफ्ते करने पड़ेंगे, और आप नोटिस करोगे कि जहाँ पे पहले बाल निकल गए थे वहाँ पे वापस बाल आना चालू हो गए हैं। तो ऐसे टाइम पे बहुत से पेरेंट गलती कर देते कि डेली उनको वो पाउडर लगाते हैं, ज़ोर ज़ोर से घिसते हैं, जोर जोर से ऑयल मसाज करते हैं, कभी कभी गर्म ऑयल यूज़ करते हैं बाल निकालने के लिए। ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना है, ये नेचुरल चीज़ है, हर बेबी को होती है। इसका और उनके आगे जाके होने वाले ग्रोथ पे कोई असर नहीं होता है। बाल कम है या ज़्यादा है, इसका मतलब वो आगे जाके उनकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। भले वो लड़का हो या लड़की हो, ये बाल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ सुना होगा, कुछ मिस सुने होंगे, कुछ मिसकंसेप्शन आपको है इन बालों को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।